I show you this guy. Bro, he's yeah, from bro, China. Brad, yeah. Free में pedicure. और इतनी चढ़ाई है कि हमारी स्कूटर की टट्टी निकल गई. मटक 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 को. भाई मेरे को डरा रही है भाई. डर तो रही नहीं है, मेरे को डरा रही है. अभी मैं हूँ उत्तरादीप के बहुत खूबसूरत से प्लेस में जहाँ पे वाटरफॉल है और मैं इसे एक्सप्लोर करूँगा अभी थोड़ी देर में. तो हम साथ में एक्सप्लोर करेंगे. और ये टाउन है उत्तरादीप जो है, एक छोटा सा टाउन है यहाँ थाईलैंड का. लोग बहुत कम यहाँ तक पहुँच पाते हैं क्योंकि काफ़ी दूर भी है बैंकॉक से और पथाया से. बट मेरे पास टाइम था तो मैं एक्सप्लोर करने आ गया क्योंकि पार्टीज़ हो गई. मैंने सोचा थोड़ा पीसफुल जगह को ढूंढा जाए. तो आज मैं मैप में ढूंढते यहाँ वाटरफॉल की तरफ आया हूँ. और यहाँ पे दो वाटरफॉल हैं जिसमें से एक अभी हम एक्सप्लोर करेंगे और अगर टाइम रहा तो मैं दूसरा भी जाऊँगा. तो मैं अभी आपको शो कराऊँगा. और आज जो है मैं जब उत्तरादीप आया तो जो मैंने होटल लिया ना वहाँ पे मुझे एक फ्रेंड मिला. मेरा वो बंदा जो है वो चाइना से है और इज़ वेरी गुड. आई शो यू दिस गाय. ब्रो, ही इज़ फ्रॉम चाइना. वी मीट यस्टरडे. And he is Brad, right? Yeah, Brad is me. He's from He's China. Nice guy too. He's a nice guy. He's very nice. And now we come together here to explore the this waterfall. So, मैं अभी आपको show करता हूँ. आप बने रहिएगा दोस्तों. यहाँ से ये waterfall start हो जाता है और ये hills और forest जो है इसके बीच में बना हुआ है. बहुत खूबसूरत सी location है, दिख रहा होगा आपको. और अभी शायद यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं आते ना, तो इसलिए ये थोड़ा सा ना इसकी हालत ख़राब हो गई है. क्राउड भी आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं है. तो बढ़ते हैं आगे. और ये छोटा सा मार्केट है यहाँ पे. और ये हमारा वाटरफॉल है. इंडिया की तरह नहीं है लेकिन खूबसूरत है. और थोड़ा दूर है तो लोग भी यहाँ कम है, भीड़ नहीं है ज़्यादा. तो अभी मैं हूँ अपनी लोकेशन पे और ये छोटा सा वाटरफॉल है यहाँ उत्तरादीप में. अच्छा है और पानी बहुत ठंडा है तो सही लगा, थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया. और अब मैं चेक करूँगा कोई दूसरी लोकेशन अगर यहाँ पे होगी तो मैं आपको ज़रूर शो करूँगा. यहाँ पे ना ये छोटी छोटी फिश हैं तो मैंने फ्री का ना पेडिक्योर ले लिया इनसे, फ्री सर्विस. और अभी हम जा रहे हैं एक दूसरी लोकेशन पे, एक और वाटरफॉल एक्सप्लोर करने. एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे लोग ही नहीं है, पॉपुलेशन कम है, इसलिए मज़ा आता है एक्सप्लोर करने में किसी भी कंट्री को. ये उसका आइलैंड का दूसरा फेस है जहाँ पे लोग ही नहीं है और एक ऐसा फेस है जहाँ पे क्राउड ओवर क्राउडेड है. तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत पीसफुल है. आई लाइक सो मच. आई जस्ट शो यू. ये देखिए सिंगल रूट है ये टाउन का और बिल्कुल खाली है. बस हम चलते जा रहे हैं मीलों तक. बंदा ना बंदे की जात. मज़ा आ रहा है. और इतनी चढ़ाई है कि हमारी स्कूटर की टट्टी निकल गई. ये देखो द ओल्ड वन ब्रो. यो तो देख लो भाई हम कहाँ पे धक्के मारने पड़ रहे हैं भाई. मे बी कैन नॉट गो. तो अभी हम जब इस सिटी को एक्सप्लोर कर रहे थे तो घूमते घूमते एक बीच में छोटा सा गांव पड़ा, मैं लोकेशन में देखा था. और यहाँ पे एक फैमिली है, उन्होंने एक फार्मिंग हाउस बना रखा लाइक अपना, जहाँ पे उन्होंने जानवरों को पाला हुआ है. बर्ड्स पाले हुए हैं, बहुत सारे एनिमल पाले हुए हैं. देखिए 70 मुर्गे यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े, उनके अंडे वगैरह भी रखे हैं. तो हम दोनों निकल रहे थे, घूम रहे थे, मैं और जो मेरा चाइनीज़ फ्रेंड है. तो हमने कहा एक बार विजिट करते हैं यहाँ पे, जस्ट देखते हैं क्या है. तो काफ़ी खूबसूरत जगह, जू की तरह बनाया हुआ है लेकिन इनका ये पर्सनल है. इन्होंने रखा हुआ है ऐसे अपने बेचने के लिए और पालने के लिए. कोई आता है तो यहाँ से खरीद सकता है, बर्ड्स वगैरह है. तो बहुत खूबसूरत है. ये देखिए छोटे छोटे पक्षी. और ये यहाँ पे खरगोश हैं, कलरफुल, ब्यूटीफुल. ये देखो सारे के सारे यहीं आ गए, उन्हें लग रहा है कुछ खाने के लिए आया, लाइक कुछ खाने को मिलेगा. ऐसा नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है. ये देखिए मटक 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 को.
ये देखिए वहाँ पे छोटे छोटे खरगोश हैं खूबसूरत से, ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बत्तख, ये कुछ अलग सी लग रही है, खूबसूरत सी देखो। हाँ भाई मेरे को डरा रही है, भाई डर तो रही नहीं है, मेरे को डरा रही है। और ये सुअर, ये शायद जंगली मुर्गी है। और ये बकरियां पाली हुई बहुत सारी, चिकन चिकन चिकन। भेड़ भी है यहाँ पे, ये देखो भाई, इतना ज़्यादा तो नहीं सोचा था मैंने, ये तो बहुत बड़ा है, इन्होंने बहुत बड़ा बनाया हुआ है। हाँ ये कुछ डिफरेंट सी बकरी, ये कुछ अलग है भाई, इसकी दाढ़ी मूछें निकली हुई है। कितने साल की है तू? फिर से खरगोश, ये खुले घूम। ओहो ये देखिए सामने घोड़े भी पाले हुए हैं भाई, मैं आगे नहीं जा रहा कहीं ये घेर ना ले मेरे को। और ये सारे मेरे पीछे पीछे आ गए, देख रहे होंगे, ये देखिए सब पीछे पीछे चल रहे हैं। और फिश भी है यहाँ पे। और अब वहाँ से निकल के हम आए एक थोड़ा सा आगे, गांव था, और जहाँ पे ये तालाब है जिसको इन्होंने टूरिस्ट अट्रैक्शन में डाला हुआ है। गूगल मैप्स हम यहाँ आ गए, कुछ नहीं है भाई यहाँ। फिर चलते हैं हम अपने होटल की तरफ वापस। ब्रेड को ना भूख लगी थी तो मैं इसे यहाँ ले आया मार्केट में, मेरे होटल के बगल में ये मार्केट है, मैंने कहा इसको टेस्ट कराता हूँ। ओके फॉर यू, ये वही फूड है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था थाईलैंड में, जो मैंने बोला था कि ये मतलब थाई कुजीन या चाइनीज लोग खा सकते हैं, वैसे ही तो ये मैं ब्रेड बुलाया स्पेशली टेस्ट करा। ओके not okay but maybe